चलो दोस्तों, कैसा हो? सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नहीं तो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 15,000 की रेंज में काफी बढ़िया स्मार्टफोन। अच्छा, तो वीडियो बने रहने से पहले बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, ये सारे स्मार्टफोन काफी बढ़िया स्मार्टफोन है और जो इसका लुक भी है वो काफी बढ़िया है, और ये 15,000 की रेंज में मिलते तो काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। तो इस लिस्ट में जो नंबर फर्स्ट पर वो वीवो T1 स्मार्टफोन है, जो काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है और इसमें जो फीचर भी वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपको सबसे पहले इसके एक इमेज दिखाते हुए कैसे दिखता है। तो आपने देख लिया होगा इसका लुक भी वो आपको काफ़ी बढ़िया वैसे लगना भी चाहिए, मज़ा आया। 4GB + 64GB रैम के साथ हमको मिलता है और इसमें जो बैटरी वो 5000mAh की बैटरी, इसमें जो कैमरा वो 50MP का है और फीचर्स इज वेरी वेल, यू कैन बाय ऑनलाइन। इसका जो प्राइस अब हुआ है 14,990, जो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, कम रेंज में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन। तो इसलिए इसमें सेकेंड नंबर पर स्मार्टफोन है पोको M3 Pro 5G, ये भी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, ये देखने में भी हमको काफ़ी बढ़िया लगता है। पोको के स्मार्टफोन तो होते ही काफ़ी बढ़िया है। ये भी हमको 5000mAh बैटरी के साथ मिलता है और 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो कैमरा क्वालिटी भी वो काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन भी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, इसका जो ओवरऑल फीचर भी वो काफ़ी बढ़िया है। इनको 13,499 पे मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन, मतलब 13,500 के आसपास ही हमको मिलता है। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पे वो Redmi Note 10T 5G स्मार्टफोन, जो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है ये भी, ये हमको 15,000 के आसपास मिलता है। इसमें जो फीचर्स है वो भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स, इसमें भी हमको 5000mAh की बैटरी और 48MP का कैमरा मिलता है, काफ़ी बढ़िया। इसमें जो प्रोसेसर भी यूज़ किया गया वो भी काफ़ी बढ़िया है इन सब स्मार्टफोन में। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पे वो Redmi Note 11, जो हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। तो वैसे बता दो, इसमें भी सारे स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है और मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको इसकी फुल स्पेसिफिकेशन चाहिए तो मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्मार्टफोन जो 15,000 के अराउंड मिल रहा है वो 4GB + 64GB रैम के साथ ही हमको मिलता है। जो प्रोसेसर वो Snapdragon 680 है, जो प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें कैमरेज भी काफ़ी बढ़िया है, ये स्मार्टफोन भी काफ़ी बढ़िया है, इसके ओवरऑल फीचर भी काफ़ी बढ़िया है। इसको अमेजन पे 13,499 पे मिल रहा है, जो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है और आप इसको आराम से खरीद भी सकते हो। तेरह लिस्ट में नंबर 5 पे हुआ OPPO A55, ये भी स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया, आप इसको आराम से अमेजोन से खरीद सकते हो, आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा और इसके जो फीचर्स और फीचर्स काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो कैमरा 50MP का कैमरा और 50MP का कैमरा और स्क्रीन भी इसकी काफ़ी बढ़िया और इसका डिज़ाइन भी है वो भी काफ़ी बढ़िया, ये भी हमको काफ़ी कलर वेरियंट में देखने को मिलते हैं। अब इसके कैमरे भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें जो रैम है, इसमें जो इंटरनल स्टोरेज वो 4GB + 64GB रैम के साथ हमको ये मिलता है, जो 15,000 का अराउंड आपको आराम से अमेजोन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।